द फिगर शोज अ ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स ए फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बी एन आइडियल इंडक्टर हैज सेम रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एज द कैपेसिटर हैज एट द सेम फ्रीक्वेंसी फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर सी ड्रा द ग्राफ शोविंग द वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर विद फ्रीक्वेंसी ओके तो बच्चों देखिए ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है और फ्रीक्वेंसी इसका वेरिएशन दिखाया गया है तो बच्चों ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं ये एक्स ही बना हुआ है और ये एफ है फ्रीक्वेंसी है हमसे पूछा गया बच्चों कि सबसे पहले हमको सी यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बतानी है ठीक है तो देखिए ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको कैपेसिटर का रिएक्टेंस पता चल जाए एक्सी पता चल जाए और एफ पता चल जाए देखिए यहां पे मिल रहा है यहां पे हम बता सकते हैं यहां फ्रीक्वेंसी कितनी है देखिए 100 यहां पर एक्सी कितना है 6 तो इसी पॉइंट को हम लेके सॉल्व कर सकते हैं मतलब जब एक्सी की वैल्यू 6 ओम है उस समय जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 100 हर्ट्ज है इन दोनों का यूज करके हम यहां पे कैपेसिटी निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं बच्चों तो एक्सी इक्वल टू होता है 1/2 πfc एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 πfc मतलब सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 πfxc सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो सी की वैल्यू क्या आएगी 1/2 ππ की वैल्यू 3.14 एफ की वैल्यू बच्चों 100 और एक्सी कितना है यहां पे देखिए 6 ओम तो 6 तो जब इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहां आंसर मिलेगा 2.65 × 10⁻⁴ यानी कि हम लिख सकते हैं 265 × 10⁻⁶ फैरेड ठीक है या इसी को हम लिख सकते हैं 265 μF सो द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी 265 μF ये हमारा एक आंसर आ गया फिर बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट बी पार्ट हमको सॉल्व करना कह रहे हैं वो एल की वैल्यू बताइए 100 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे जिसके लिए एक्सी की वैल्यू जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 100 हर्ज के बराबर हो जाए एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाए मतलब यहां से हम एक्सएल निकाल सकते हैं भाई 100 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे एक्सी की वैल्यू कितनी है देखिए 6 तो यही तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी तो एक्सएल बराबर एक्सी है और एक्सी हमको मिल गया 6 यानी कि एक्सएल हमें निकल आया 6 ओम ठीक है वो भी कब निकला बच्चों ये 100 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे है कितनी फ्रीक्वेंसी पे है 100 हर्ज पे हमसे बोल रहे हैं कि इस समय उसका इंडक्टेंस कितना होगा एल क्या होगा तो भाई एक्सएल और एल में क्या रिलेशन होता है एक्सएल बराबर होता है बच्चों 2πfL तो यहां से बच्चों एल की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या निकलेगी एक्सएल अपॉन 2πf एल बराबर एक्सएल एक्सएल की वैल्यू 6 2 पाई की वैल्यू 3.14 और एफ एफ की वैल्यू बच्चों 100 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्सएल की वैल्यू मिलेगी 9.55 × 10⁻³ हेनरी क्या मिलेगी 9.55 × 10⁻³ हेनरी या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल की वैल्यू 9.55 मिली हेनरी ये भी लिख सकते हैं mH तो ये हमारा आंसर हो गया मतलब जिस समय 100 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी बराबर थे तो उस समय उसका इंडक्टेंस क्या होना चाहिए ये होना चाहिए 9.55 mH थर्ड ग्राफ क्या कह रहे बच्चों थर्ड में कह रहे कि ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद एफ इस समय जो ये तुम्हारा एल आया था जो इसका एक्सएल आया है उसका एफ के साथ कैसा ग्राफ बनेगा तो भाई एक्सएल और एफ का रिलेशन कैसा होता है देखो एक्सएल एफ का रिलेशन होता है एक्सएल बराबर 2πfL मतलब वाई बराबर कुछ कॉन्स्टेंट इंटू एक्स की तरह है क्या वाई बराबर एम एक्स टाइप का रिलेशन है इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा तो सी पॉइंट में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों एक्सएल और एल का ग्राफ तो वाई बराबर एम एक्स जैसे होता था तो स्ट्रेट लाइन बनता था ना ओरिजिन से जाते हुए वैसे ही एक्सएल और एल का ग्राफ क्या बनेगा
इधर क्या आया F, कैसा ग्राफ मिलेगा बच्चों यहाँ से देखते हैं। तो XL बराबर क्या पढ़ा था 2 पाई FL, तो इसको लिख सकते हैं ना XL बराबर 2 पाई L इंटू F, मतलब Y बराबर MX की तरह का ग्राफ हो गया। जब ये ग्राफ होता है तो क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता था Y बराबर MX में, तो वैसे ही XL और F का ग्राफ भी क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो XL और F का ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे तीनों आंसर, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।